हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस कीवर्ड्स। तो कीवर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज चेंजेस। The difference between the properties of object at two different times are known as changes. Changes क्या है कि difference between होना properties object की properties में दो different time पे उसे ही हम changes कहते हैं। जैसे कि एक object है उसकी जब shape change हो जाती है तो वो उसकी property में ही change आ रहा है ना उसकी shape जो change हो रही है एक तरह की property है उसकी। सेम जो अगर हम बात करते हैं कि वाटर है, वाटर जो अगर हम लिक्विड स्टेट में है तो वो उसकी लिक्विड स्टेट वाली प्रॉपर्टी है। अगर हम उसे आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये डिफरेंस जो है प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट की एट टू डिफरेंट टाइम्स उसे ही हम चेंज बोल रहे हैं, यानी कि वो चेंज आकर हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन। द चेंज इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट बिकम स्मॉलर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? चेंज होना किसी भी साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में जब वो छोटा होता है तो उसे ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि जो ग्रेप है वो ड्राई होता है रेजन बनाने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो अपना वाटर लूज करता है, तो उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन टू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि कन्वर्जन होना वाटर का इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये कब होता है? जब हम हीट है वो अप्लाई करते हैं लिक्विड पे, यानी कि वाटर पे। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन। द चेंज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट बिकम्स लार्जर इज कॉल्ड एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन क्या है कि चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के साइज में जब वो बड़ा होता है, जब वो लार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो है हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम मेटल को हीट करते हैं तो एक्सपेंशन अकर करता है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ड्यू टू द हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। देखिए मेल्टिंग क्या है कि जो सॉलिड है उसका कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड स्टेट में किसकी वजह से? हीट की वजह से, उसे ही हम मेल्टिंग कहते हैं। जैसे कि आइस मेल्ट करती है वाटर में अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे या हीट प्रोवाइड करते हैं तो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।